हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट अड्डा में। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए, आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस करेंगे, कुछ सवाल ठीक यानी कि क्लास 7 के। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द विच ऑफ द फॉलोइंग द पेयर ऑफ एंगल ऑफ कम्प्लीमेंट एंड विच आर द सप्लीमेंट। देखिए, इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सप्लीमेंट है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट है। तो देखिए, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, तो आपका होना चाहिए यानी कि 90 डिग्री। सपोज दैट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 30 प्लस 60, देखिए बनाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। 90 डिग्री क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री। और जो सप्लीमेंट्री होगा वो आपके लिए यानी कि 180 डिग्री होगा। यदि दो एंगल का सम वो क्या कहलाएगा, 180 डिग्री, तो क्या कहलाएगा, जैसे 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो हम लोग होते हैं 180 डिग्री। ये क्या बनाएगा, सप्लीमेंट, सप्लीमेंट्री, ठीक। तो आइए देखिए, हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 65 डिग्री एंड 115 डिग्री। अगर इनका हम सम करते हैं 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री, तो इसका आंसर आता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अभी हमने बताया है क्या बनेगा, सप्लीमेंट एंगल। तो ये क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री, ठीक। ये देखिए हमारा आंसर हो गया। तो इस हिसाब से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिखा है 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री, अगर इनका सम करते हैं तो 90 डिग्री आता है। तो ये क्या बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक। ऐसे ही देखिए, थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है 120 डिग्री, यानी 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री को अगर हम लोग सम करते हैं पेयर का, तो ये क्या बनाएगा, सप्लीमेंट एंगल बनाएगा, ठीक। तो सप्लीमेंट थ्री। अब देखिए, 130 प्लस 50, अगर 130 और 50 को हम लोग ऐड करते हैं तो ये क्या बनाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री क्या बनाएगा, 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट, ठीक। अब देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ 45 डिग्री पर 45 डिग्री, अगर इनका पेयर को हम सम करते हैं तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का लिखा हुआ है 80 और 10 डिग्री, यानी 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री को ऐड करेंगे तो आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट ट्री एंगल, ठीक। जिनको भी ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बने रहिए हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट अड्डा के साथ, ठीक। जल्दी से आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो देखो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, फाइंड द एंगल विच इज द इक्वल इट्स टू द कम्प्लीमेंट। देखिए, कम्प्लीमेंट एंगल बनाना है हमें, दो ऐसे इक्वल कम्प्लीमेंट लेने हैं जिनका सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो देखिए, सबसे पहले हमने उन्हें लिखा, लेट वन ऑफ द टू इक्वल कम्प्लीमेंट एंगल इज एक्स। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, सो दैट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टू 90 डिग्री। तो देखिए, ये कंडीशन है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल का सम कितना होना, दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक। तो हम लोग एक इक्वल मैंने माना x, तो x प्लस x इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि 2x हो गया इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ मल्टीप्लाई में लिखा है तो डिवाइड हो जाएगा आपका, तो 45 डिग्री हमारा एंगल निकाला है, 45 डिग्री। तो लिखेंगे 45 डिग्री इज द इक्वल टू बी इट्स कंप्लीमेंट, ठीक।
जल्दी से आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। जो देखिए कैसे करते हैं, फिर से आपको समझा रहे हैं। तो देखिए पहले हम लोग लिखेंगे लेग वन ऑफ द टू इक्वल कंपोनेंट कंप्लीमेंट एंगल इज एक्स, यानी कि कंप्लीमेंट एंगल दो एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो ठीक, तो x प्लस x इसका टू 90 डिग्री, यानी कि 2x हुआ। तो 2x, जैसे 2x 90 डिग्री हुआ तो x यहाँ पे क्या था मल्टीप्लीकेशन में 2, तो डिवाइड हो गया 45 डिग्री आया, x इसका टू 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इज द इक्वल टू बी द इट्स कंप्लीमेंट एंगल। जल्दी से आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब देखिए हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एंगल विच इज द इक्वल इट्स सप्लीमेंट। अब सप्लीमेंट एंगल आपको अभी हम बता चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, सप्लीमेंट क्या होता है, सप्लीमेंट क्या होता है 180 डिग्री, यानी कि पेयर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, दो पेयर एंगल होने चाहिए, तो कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए हमें पूछा गया फाइंड द एंगल विच इज द इक्वल, यानी कि बराबर एंगल होने चाहिए, वो कौन से एंगल होंगे जो सप्लीमेंट एंगल बनाएंगे। तो देखिए लेट x टू बी द इक्वल एंगल इज सप्लीमेंट, तो यानी कि आप इसको सॉल्व करेंगे x प्लस x स्क्वायर टू 180 डिग्री, इसको करेंगे ऐड करेंगे 2x आया स्क्वायर टू 180 डिग्री, ये मल्टीप्लाई में लिखा है तो डिवाइड हो जाएगा आपका, डिवाइड करो तो x स्क्वायर टू 90 डिग्री, वो दो एंगल होंगे 90 डिग्री के जो सम बनाएंगे 180 डिग्री। ठीक, तो लिखेंगे हम लोग 90 डिग्री इज द इक्वल टू बी इट्स सप्लीमेंट। ठीक, ये देखिए हमारा आंसर निकल आया, यानी कि जो x होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी कि इक्वल एंगल क्या होंगे 90 प्लस 90 डिग्री, देन मेक इट सप्लीमेंट एंगल। जिनको भी वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, मेरे चैनल बने रहिए हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट अड्डा के साथ। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।